सुप्रभात सभी साथियों को, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10-15 से। और आज साल का हमारा, हम कह सकते हैं, सीज़न स्टार्ट हो चुका है। सेब का सीज़न स्टार्ट अभी हुआ नहीं, बट जो हमारी नाशपाती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पियर, उसका सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और आपको मैं ये वेराइटी बता दूँ, ये है हमारी मोटी डंडी की नाशपाती। इसको कुछ और तो नहीं बोलते, ये वेराइटी मोटी डंडी की नाशपाती है। अगर आप किसी और नाम से संबोधित करते हैं इस वेराइटी को, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी हमें, अभी हमने वैसे स्टार्ट ही किया, देखो 3 किल्टे लाए थे, थोड़ा जैसा भरा एक। मम्मी ने तोड़ने में सबसे ज़्यादा स्पीड रखी है, पापा जी टॉप पे जा चुके हैं, मुझे भी जाना है इसके बाद। और आप देख सकते हैं नाशपाती काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें नज़र आ रही है। सेब के अकॉर्डिंग नाशपाती हमेशा भी अच्छी फसल देती है, सेब तो कई बार ही होते खाली, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सेब हमारा खाली है, कई बार लगता है कई बार नहीं। ऐसा बोलेंगे लोग फिर कि किसका बच्चा है सर, इसको तो पियर की स्पेलिंग नहीं आती। ये स्कूल में पियर की स्पेलिंग नहीं करवाई। तो कहाँ से बोलूँ, बोले क्यों करवाई, ए बी सी बोले गए, बोले तो एप्पल की स्पेलिंग भी नहीं करवाई, क्यों फिर क्या करवाया बोलो तो। अभी पहुंची ना परे वाली टहनी, आगे देख आगे वाली टहनी में जा, आगे है पियर। तोड़ तोड़ इसको शाबाश, हाइट छोटी पड़ चुकी है, विराज वर्मा पहुंच नहीं रहे पियर तक। मैम ने नहीं सिखाया इसको, रहन दे, ये खींच दे खींच दे खींच दे, शाबाश शाबाश शाबाश, खींच दी खींच दी खींच दी, तोड़ ले तोड़ ले, गुड बॉल, लटक गया हवा में साथ में, खींच दे खींच दे, हाँ ले ले, छोड़ छोड़ ले 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 ले, अब तो तोड़ ले, यस गुड बॉय, फाइनली तोड़ ली गई है। और साथियों अभी समय हो रहा है 3:06, और घर से नीचे बोलेंगे उस वाले एरिया में हम नाशपाती तोड़ के कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी अब थोड़ी सी हमारे को घर के पास रही है, एक पेड़ है ना वहाँ, तो एक ही पेड़ है, तो दो तो ये ऐसा बोल रही है जैसे ये बड़े आसानी से तोड़ लेगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखो इसने कर दिया हमारा नुकसान, ये है इसकी हालत। जब कान बोल दिया, जब काम करने का आपका मन ना हो तो आप नुकसान ज़्यादा करते हैं, और काम करके काम कम करते हैं, जिसके चलते इसने हमारा करोड़ों का नुकसान कर दिया। इसने एक टहनी तोड़ दी, अब मम्मी खींच रही दूसरी टहनी। एक तो ये नाजुक होती है ना यार, तो टूट जाती है, इतनी मोटी तो तू है भी नहीं कि टहनी टूट जाए। हैं 2 किलो बड़ा नहीं इसका वेट हो, ये होगी मोटी 50 किलो है, वाह मेरे से ज़्यादा वेट है तेरा तो। और मैं आपको बता दूं, आज हमारे इष्ट देवता महेश्वर जी की पलगी बोलेंगे उसको, वो आती है हमारे यहाँ, एक मंदिर है गुड्डू देवते का, तो वहाँ पे ये कुछ नहीं हुआ, टहनी छोड़ी ऊपर, तो आपको शाम को वहाँ मिलेंगे। बाकी अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, किल्टे चक चक के ना कमर दर्द देने वाली है क्या, आगे से खींचनी पड़ेगी नीचे खींचनी, ओके वो वाली टूटेगी नहीं आसानी से। और आप ये मेहनत देख सकते हैं, सुबह से लेकर हमने इतनी नाशपतियाँ तोड़ ली है। ओ बाकी जो अब 2 पेड़ रहे हैं वो कल तोड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे इष्ट देवता महेश्वर जी की पलगी भी आने वाली है, तो स्नान कर लेते हैं, फ्रेश होते हैं थोड़ा, और खेलने भी जाना है। बाकी आप बताना ना, इससे जो हमने इतनी तोड़ी है तो ये कितने किल्टे हो सकते हैं, ऑप्शन है 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, सही कमेंट करने वाले को देंगे हम 1 लाइक, वो भी दिल से, और कमेंट भी करेंगे उसके लिए, तो आप बता देना कि कितने किल्टे हो सकते हैं इसमें। बाकी मम्मा भी आ गए हैं घर को, और आज हमारे इष्ट देवता महेश्वर जी की पलकी यहाँ पे बैठेगी। मैं शायद यहाँ पे तब नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे जाना है खेलने स्कूल, आजकल हम कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊँ घर में सबसे ज़्यादा मज़े किसके होते, सुबह से लेकर शाम तक एक बंदा सो के रहता है, और वो बंदा कोई और नहीं, वो है ये ब्रूनो पैलेस।
ऊपर कौन है? कहाँ ऊपर? चुटकी दीदी नहीं है ऊपर का पापा भी। पापा आप देख रहे हैं आप में से कितनी छोटी है ये छोटे बच्चे वो आलसी उठ चुका है अब। आप क्या कर रहे हो तब से? पाइप ढूंढ रहे अभी भैया की सफरे खत्म सफरे के लिए पानी कम हो गया। और साथियों अभी हम स्नान ना करके पहले पहुंच चुके हैं खेलने क्योंकि हम पहले खेलेंगे फिर स्नान करेंगे फिर उसके बाद हम मंदिर में आपको दिखा दूँ। यहाँ से नीचे अगर आपको कुछ व्यक्ति नज़र आ रहे होंगे तो यहाँ नीचे देखो आप यहाँ पे है आज हमारी पूजा। शाम को हमारे को अपने इष्ट देव परमेश्वर जी के साथ ही सोना है तो पहले हम अपनी गेम पूरी कर लेते हैं फिर उसके बाद स्नान करेंगे फिर जाएंगे मंदिर। और अभी हम खेल के समाप्त हो चुके हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं प्लम और प्लम हमारे को देख रहा है देख रहे हैं आप व्यक्ति को चढ़ा भी कहाँ है अगर लगी करंट ना इसको उतना ही है फिर ये ओए तार छू तो देख तो लाइट है कि नहीं है ओए यार अब छू ले तार भाई टूट पंकू आटली हमारे को दे रहा है प्लम और अगर इसने थोड़ी सी भी ढील बरती तो इसको लगेगी करंट क्या पता हमें कंटेंट देखने को मिले। पंकू चढ़ा पेड़ पे और इसको लगी करंट ऊपर ये सेफ साइड नीचे उतर चुका है। और आप साथियों देख सकते हैं घर के छत पे पड़ी है नोजल और ये यहाँ गिरी कैसे भाई ये पक्का ना डबल स्टोरी की यहाँ वाली पार्ट पे रखी होगी और ये नीचे गिर चुकी है अब इसको निकाल लेते घर वालों को कोई पता ही नहीं है। नोजल घर के छत से हमने रेस्क्यू कर लिया बट आप देख सकते हैं ना समझ ब्रूनो पहले सारी आगे रोड में अपने साथी को देख रहे हैं हम इसे इतना पुकार रहे हैं क्योंकि मम्मा अगर आपको दिख रहे होंगे नीचे दीदी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं पूनम जी ब्रूनो ये देखो नीचे ये ना भाई देखो ये देखो वाह फिर सुनता है रुक गया नहीं ओ भगवान इसको ना भाई ना समझ हो सो गया है साथियों ये आज इसकी क्लास लेके लाना पड़ेंगे गच्चे तो इसको रोज़ पढ़ते हैं ना और ये यहाँ सीख रही थी यार देखो हवा लगी होगी ना और इस दे यहाँ पे और यहाँ पे आना काफ़ी कठिन है बट हम आसानी से चढ़ गए। मम्मा ने पहले मुझे देखा ना बोले क्या करा छत पे मैं कहा नोजल नहीं रखनी बाकी पहले सारी को आगे से लाते सुनता ही नहीं है भाई सुनो कम गुड बॉय ये देखो अगर इसको प्यार से बुलाते हैं साथ में इतना चिल्लाया अभी तक आ ही नहीं रहा था ब्रूनो कम गुड बॉय आजा कम ब्रूनो और ब्रूनो पहले सारी ऐसी ना इसको आदत पड़ जाएगी खाने की नमूने तेने किसी को खाया ना खाया जो हमारे को सुनने को और एक गंदा देखो यार ये हालत देखो इसी हालत देखो वाह स्नान करना जरूरी है खेलना तेरे को तो घर में खेलना है ना फिर चल ऊपर चल अब चल यार खाता है यार साथियों फिर मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी एक तो आप देख सकते हैं घर के साथ बिल्कुल मेन रास्ता है यहाँ से काफ़ी लोग चलते हैं तो किसी को अगर इसने खा लिया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यार। वैसे तो ये फ्रेंडली है अगर चलो कोई हमारे घर के आस पास से चलता है और वो हमारे ब्लॉग देखता है तो मैं उनको यही बताऊंगा अगर आप कभी भी आते हो मेरे घर के आसपास से और इससे डरते हो तो ये आपको बिल्कुल नहीं खाएगा इसको बस प्यार से बुलाना है यार ऐसे तो ये बहुत फ्रेंडली है खाता नहीं है। आप सभी दर्शन कर लीजिए हमारे इष्ट देवता महेश्वर जी की पलकी का और अभी हम सभी साथ ही नीतीश भैया काफ़ी लंबे समय बाद हमारे ब्लॉग में अंशु भाई बड़े हैं पुट्ठे अप्पी दादा पंकु आते हेलो साथियों आप देख सकते हैं अब हम अपनी इष्ट देवता महेश्वर जी की पलकी को वापस मंदिर ले जा रहे हैं और रास्ता थोड़ा खराब है तो इसके चलते हमें रास्ते पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और साथियों समय हो रहा है इस व्लॉग को एंड करने का और व्लॉग एंड कर रहे हैं हम नेक्स्ट डे मतलब जो आपने अभी एक लास्ट क्लिप देखी ना उसके दूसरे दिन व्लॉग को हम एंड कर रहे हैं। इवन मैं मंदिर गया वहाँ पे भी व्लॉग नहीं बनाया एडिट तो मैंने ये व्लॉग कर लिया अभी मैं चेक कर रहा था कि मैं इसकी एंडिंग नहीं हुई है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं अब इस व्लॉग को एंडिंग करके और मैंने एडिटिंग करते बारी ये नोटिस किया
अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ बट इतना तो मेरे को पता है 150 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये व्लॉग ना मेरे को सबसे बेस्ट व्लॉग लगा अभी तक का, क्योंकि इस पे हमने बहुत सारा एडवेंचर बोलेंगे मेरे लिए तो मतलब बहुत सारी चीज़ें की, वैसे मैं इतना कैप्चर नहीं करता कभी। एक तो मैं जब कभी ऐसे व्लॉग बनाता हूँ ना तो यही सोचता हूँ कम व्लॉग कैप्चर करूँ तो फिर ज़्यादा नहीं होगा मेरे का बोर कराने के लिए आपको, बट इस बार ऐसा नहीं था। मैंने कैप्चर बहुत सारा किया, फिर एडिट करके हो जाता है बाद में जस्ट, यार ये चीज़ हम नई चीज़ सीखी है हमने तो आगे भी ये काम आएगी। तो बाकी ठीक है, आप बताना मेरे लिए सबसे बेस्ट व्लॉग था ये, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की है। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट कर लेना प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से, मैसेज छोड़ के जाया करो यार। बाकी ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय। देखी आपने मेरी वीडियो? कभी भी नहीं देखी। नहीं देखी? सच बताओ। नहीं, सच सच में नहीं देखी? चाचू की वीडियो भी राज वर्मा नहीं देखता, सच में नहीं देखते? पक्का पक्का। अच्छा।